और ये वाला टाइम है T3। अब ये बात तो क्लियर है बेटा, बड़ा कौन सा होगा सबसे ज्यादा टाइम? T1 बड़ा होगा क्योंकि T1 होगा सर, T1 क्योंकि T1 में सबसे ज्यादा कम स्पीड है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है तो टाइम आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब हमें T1 निकालना है। तो देखो सब चीज नीचे, इसलिए नीचे वाली साइड को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं ना। तो देखो U कितना है, जीरो जीरो। A कितना है, जी। S कितना है, H। टाइम कितना है, T1 है। टाइम कितना है, T1। कौन सा इक्वेशन सही रहेगा सर? थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन H इक्वल टू जीरो प्लस 1/2 जी T1 स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू आ गई, देखो डायरेक्टली आ गई 2H/g इंटू रूट। यहां तक आ गई बेटा T1? यस सर, है ना। अब मुझे T2 निकालना है, लेकिन जब मैं T2 के लिए लूंगा तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी ये वाली लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं क्या सोचता हूँ बेटा, ए टू सी का टाइम निकाल लूं, उसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दूं। समझे क्या सोच रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वाला बता सकते हैं √2H/g कैसे आया बेटा? यार इधर देखो, 2 का मल्टी h इक्वल्स टू 1/2 जी T1 स्क्वायर आया। आपने सर ए टू सी डायरेक्ट निकाल लिया ना, 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2H/gt स्क्वायर, और ये हटके यहाँ पे अपॉन में चला गया और स्क्वायर था इसलिए रूट आ गया। क्लियर है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर, है ना। अब मैं इस वाले टाइम को T2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से अपने क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे और फिर वेलोसिटी यहाँ से यूज होगी तो इतना अच्छा इक्वेशन नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या निकाल लें, पूरा ए टू सी का टाइम निकाले, उसमें से T1 टाइम माइनस कर देंगे तो हमें T2 मिल जाएगा। वो इजी हो जाए क्योंकि अपन को मतलब मैं T2 को लिख सकता हूँ कैपिटल T2 माइनस T1। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। तो मैं कैपिटल T2 निकालता हूँ, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो T2 का मैं निकाल सकता हूँ फॉर ए टू सी। यू कितना है, जीरो जीरो। ए जी, एस टू एच, टू एच, और टाइम कितना है, कैपिटल टी। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2H इक्वल्स टू 1/2 g कैपिटल T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4H हो जाएगा, तो 4H जो है T2 इक्वल टू आ जाएगा रूट 4H/g। 2 को बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए, तो T2 की वैल्यू आएगी रूट 4H/g माइनस T1 कितना है, रूट 2H/g। मतलब हमारा T2 ये है। ठीक है, अब हमें निकालना है T3। तो देखो T3 के लिए हम क्या करें, ये वाला पूरा डिस्टेंस निकाल लें, टाइम निकाल लें, कौन सा, A2 थी पूरा बड़ा वाला, उसमें से कैपिटल T2 माइनस कर देंगे। स्मॉल T3 निकालना है ना मुझे, तो स्मॉल T3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल T3 माइनस कैपिटल T2। ठीक है, यस सर, इसमें से माइनस हो जाएगा तो T3 बच जाएगा। तो T3 के लिए वापस से वही इक्वेशन लिखो, कितना होगा डायरेक्टली लिख दूं, थ्री एच इक्वल टू जीरो प्लस 1/2 इंटू जी T3 का होल स्क्वायर। तो जो T3 आएगा आपका रूट के अंदर कितना आएगा, 6H/g। T2 डी नहीं कर सकते क्या, हो गया, अबे T2 कुछ भी ले लो, रूट 6H/g माइनस रूट T2 कितना होगा, रूट रूट 4H माइनस 4H माइनस जी। ठीक है, जी माइनस रूट 2। तो अब हमें T1, T2 और T3 हमें मिल गया है। अब इनका क्या रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो देखो हम पहले निकालते हैं, पहले तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, T1:T2:T3 कितना होगा, रूट टू एच बाई जी सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, फिर T2 सर ऑप्शन ए, रूट 4H/g माइनस रूट H/g कट जाएगा H/g। हाँ यस सर, इस टू रूट 6H/g माइनस रूट 4H/g। अब रूट 2/g, रूट 2/g सबसे हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1:2। यहाँ से देखो
रूट टू एच बाई जी बचेगा तो कितना बचेगा, रूट टू माइनस वन इस टू, यहाँ से रूट टू बाई जी चलेगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा, थ्री माइनस रूट टू। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर? देखो रेशियो के लिए बेटा अपन ने रूट टू एच बाई जी से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दी, रूट टू एच। आ गया समझ में सर। अब यार कितनी बार बोला है, जिसको डाउट पूछा है दूसरा मत बोला करो, तुम्हें आ गया समझ में, लेकिन जिसको नहीं आया उसको बताने दो, ठीक है? देखो बेटा रूट टू एच बाई जी यहाँ से हट गया तो क्या बच गया, वन। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू एच बाई जी। Yes, sir. तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो रूट टू बच गया, यहाँ पे ये पूरा ही था तो ये पूरा कैंसिल होके वन हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं रूट रूट थ्री इंटू रूट टू एच बाई जी। तो ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या हमारे पास, रूट थ्री। क्लियर है? हाँ क्या हो गया बेटा, जो रेशियो में है हाँ वाला क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ मेरे ख्याल से सबसे आगे माइनस वन भी लग जाएगा। क्यों माइनस वन लग जाएगा सर, क्योंकि स्मॉल टी थ्री की वैल्यू सर उसके आगे माइनस रूट टू जी। तो सुनो इधर हमें वैल्यू निकालना है ये वाली, तो हमने पूरा ए टू सी का टाइम निकाला माइनस ये वाला माइनस कर दिया ए टू बी का, तो ये वाला मिल गया हमें, और हमें ये वाला चाहिए था तो हमने पूरा निकाला और यहां से यहां तक का माइनस कर दिया। क्लियर है सर? आप ये रेशियो पार्ट फिर से बता दीजिए। सही है, रेशियो पार्ट फिर से। अच्छा टी वन टी टू थ्री समझ में आ गया? यस सर। तो देखो टी वन कितना आया, टी वन आया रूट टू एच बाई जी, ठीक है? टी टू आपका आया रूट फोर एच बाई जी माइनस रूट टू एच बाई जी, और आपका टी थ्री आया रूट सिक्स एच बाई जी माइनस रूट फोर एच बाई जी। क्लियर ये आया? यस सर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट टू एच बाई जी कॉमन ले लिया, क्या बच गया, रूट टू एच बाई जी कॉमन ले लिया, ठीक है? रूट टू एच बाई जी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पे, रूट टू माइनस वन, यही बचेगा बेटा। मल्टीप्लाई करो देखो, रूट टू फोर हो जाएगा, रूट फोर है ना, और यहाँ पे रूट टू एच कॉमन लो तो क्या बचेगा, रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है? अब रेशियो में है तो ये सब कैंसिल कर दो तो वन इस टू रूट टू माइनस वन इस टू रूट थ्री माइनस रूट टू। क्लियर है? क्वेश्चन पूरा? यस सर। देखो इधर हमें बेटा ये निकालना था, ये था इक्वल थ्री हाइट्स थी, ये हाइट ये हाइट, ये तीनों हाइट कितनी थी, एच 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 थी, कितनी हाइट थी, ये भी एच था, ये भी एच था और ये भी एच था। क्लियर है? यस सर। ये भी एच, ये भी एच और ये भी एच। यहां पे जो टाइम लगा वो लगा टी वन, कितना टाइम लगा टी वन, यहां से यहां तक का टाइम लगा टी टू, और यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा टी थ्री। अब मैंने T1 तो निकाल लिया, T1 कितना आया रूट टू एच बाई जी। अब T2 के लिए मैंने ये किया कि ये वाला टाइम निकाल लिया यहां से लेके यहां तक का, क्लियर है? और उसमें से ये वाला माइनस कर दिया। डायरेक्ट T2 क्यों नहीं निकाला बेटा? डायरेक्ट T2 इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यदि हम ये लगाते एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है। यस सर। मतलब ए बी सी और डी, ए टू बी का जो फाइनल वेलोसिटी है वही बी टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा बेटा। यस सर। तो मुझे ये बी पर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यस
तो मुझे एक और इक्वेशन बढ़ेगी ना. Yes, तो इसलिए मैंने क्या किया, पूरा ए टू सी ले लिया. ए टू सी में हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि अब यू वाला टर्म जीरो मिल रहा है, तो हमें एक ही टर्म मिल रहा है. आई बात समझ में? Yes, sir, समझ में आ गया. अदरवाइज हमें क्या होता, दो टर्म मिलते. ठीक है, उससे उससे करके देखना है. देखो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस at. ठीक है, a टू b का वेलोसिटी b, तो u कितना है बेटा यहाँ पे जीरो प्लस a g, और t कितना आया था हमारा जी, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा रूट फोर एच वाई जी. क्यों रूट टू एच आया समझ में? यस सर. जी से नहीं निकाल सकते. देखो अब ये आया, अब यदि हम यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वाली हो गई. अब हम निकालते हैं बी टू सी, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो s इक्वल्स टू, ठीक है. अब यहां पे देखो u कितना है, 2gh इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस वन बाय टू जी टी स्क्वायर. अब यहां पे t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. यस सर. तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. क्लियर है? जिसको पता नहीं क्वाड्रेटिक नहीं कर पाएगा. इसलिए हाँ, मतलब ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए, हमारे लिए प्रॉब्लम है यदि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो, है ना. आगे बात हो गई, इसलिए अपन ने क्या लिया, ए टू बी लेके ये वाला टर्म माइनस कर दिया था कि हमें एक टर्म क्या मिले, ये वाला टर्म हमेशा जीरो मिले. क्लियर है? यस सर. यस सर. अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. कौन सा चैप्टर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हाँ, थर्ड चैप्टर है ना. अब ये बताओ आपको कुछ चीजें समझना है. सर्कुलर मोशन उतना ही है, ठीक है. अब ये बताओ एक चीज है, हमारे पास बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आपको समझना है. जैसे बताओ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यदि दोनों फोर्स अपोजिट साइड्स हैं, जैसे हमने बोल दिया 4 न्यूटन और ये बोल दिया 1 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा? 3 न्यूटन. इस साइड आगे की तरफ 3 न्यूटन. क्लियर है? चलो दोनों यदि परपेंडिकुलर हुए तो कितना होगा, इधर 6 न्यूटन इधर 8 न्यूटन. रूट के अंदर 64 प्लस 36 मतलब रूट 100 न्यूटन आ जाएगा. 10 न्यूटन तो ये हो गया 10 न्यूटन. अच्छा अब यदि मैं बोलूं कि ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो वो क्या है, बैलेंस फोर्स. ठीक है, तो जो बैलेंस फोर्स है कभी भी स्टेट चेंज नहीं करते, मतलब ये बैलेंस फोर्स कभी भी रेस्ट टू मोशन भी नहीं ला सकते और मोशन टू रेस्ट में भी नहीं ला सकते. आई गई बात समझ में? यस सर. क्योंकि सर उनकी वैल्यू जीरो है. यस सर. टू फोर्स बैलेंस है, बैलेंस है मतलब उनका नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? यस सर. यस सर. आ गया. डिफॉर्म कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इधर से इसको दबा दे, ठीक है, लेकिन मोशन में नहीं ला पाएंगे. ठीक है, जिसे हमने प्लास्टिक का स्टूल है उसको दोनों साइड से फोर्स लगाया तो वो मूव तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है. डिफॉर्म हो सकता है. ठीक है, जैसे हमने लेमन को क्या किया, दोनों साइड से फोर्स लगाया तो क्या होगा, क्या वो मूव करेगा, पिचक जाएगा, पिचक जाएगा, लेकिन मूव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मूव करने लगेगा. आ गई बात समझ में? तो बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करता. दूसरा होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स. क्या होता है? इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वही स्टेट चेंज करता है, इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करता है. आई बात समझ में? यस सर. इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करता है.
अब क्यों नहीं करता है ये अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन हम एग्जांपल के लिए समझ लेता हूं। एक कार है, समझ लो एक कार बना ली हमने अच्छी सी, है ना, अच्छी सी एक कार बना ली, हाँ सर स्टेट चेंज का है मतलब है? स्टेट चेंज रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता, मोशन टू रेस्ट में नहीं ला सकता, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ला सकता। अब देखो ये था एक ट्रक था, ये क्या था, ट्रक है सर, ट्रक है। अब ये ट्रक पूरा एक सिस्टम है, यहाँ पे सर, एक पर्सन है सर, क्या आप इसे नोट चेंज देंगे? हाँ, इसको फोर्स लगा रहा है ट्रक में ही खड़ा होके, क्या ट्रक आगे जाने लगेगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम है, तो ये क्या है, सिस्टम के अंदर से धक्का मार रहा है, मतलब ये किसका फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, आगे बात सुन रहे हैं? लेकिन यदि कोई पर्सन बाहर से खड़ा होके इसको धक्का मारेगा तो मे बी तो चेंज होगा, चेंज होगा उसका स्टेट, चेंज होगा, जरूरी नहीं, कोशिश कर सकता है, हाँ क्योंकि उसका फोर्स भी सफिशियंट होना चाहिए, है ना, अच्छा सा एग्जाम्पल। यदि कार आगे जा रही है, हम आगे वाली सीट को पकड़ के कस के खींचे तो क्या कार रुक जाएगी? नो सर, लेकिन यदि बाहर से पकड़ क्या, क्योंकि उसका वेट भी तो ज्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स चेंज होगा, चेंज हो सकता है सर, आपकी वॉइस लो हो गई, हाँ सर आपकी वॉइस सर मोटिवेशन आ रही है क्योंकि आप सब बोल रहे हैं, ठीक है, यदि बेटा सर ऐसा लग रहा है आप हमसे दूर जा रहे, एक मिनट रुको, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कार में बैठे सर, और सर और कम हो गई सर, सर बहुत तेज आ, अभी तो मैंने कूलर भी बंद कर दिया है, ठीक है, सर अब तो आ भी नहीं, कुछ चेंज है, कोई बोल रहा हूँ सर, अब नहीं आ रही, यस सर अब आ रही है, अब शांत रहो, अब आप एक कार में बैठे हुए हो, ठीक है, आगे वाली सीट पर बहुत तेज लात मारोगे, बहुत लातों से फोर्स लगाओगे, क्या कार आगे जाने लगेगी? नो सर, क्यों, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन यदि आप कार से बाहर निकल के आप फोर्स लगाओगे तो कार आगे जाने लगेगी, अभी यार ये सब कंडीशन बताया करो, ठीक है, एक्सटर्नल, हाँ इंटरनल फोर्स डिफॉर्म कर सकता है, हो सकता है कि आपने बहुत तेज फोर्स लगाया तो आगे की सीट उखड़ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लात मारने से आप कस के लात मार रहे हो, कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा लोग फिर पेट्रोल ही बंद कर देते हैं, तो मतलब सर टू मतलब इंटरनल फोर्स शेप और साइज चेंज करता है सर, लेकिन स्टेट चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, और रेस्ट में वो कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये अपन आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ में, क्लियर है, इसलिए उस पर दिमाग मत लगाना, अब है ना, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स आपके लिए बार बार यूज होगा, तो इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है, जैसे कि सर सर की बैलेंस फोर्स में सर कोई स्टेट चेंज नहीं होता, अगर अपन लेमन को सर स्क्वीज करेंगे तो सर उसमें भी तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है ना, स्टेट का रेस्ट मोशन से कहाँ आ गया बेटा, शेप तो साइज चेंज हुआ ना उसका, मेरे ख्याल से वो स्टेट लिक्विड गैस का, वो वाला स्टेट नहीं, ठीक है, अगर हमें सबको म्यूट कर दीजिए, अगर उन्हें कुछ पूछना होगा तो वो रेस हैंड कर ले, हाँ ये बात सही है, ठीक है, अभी पहले हाथ खड़ा कर दिया, कौन है ये, ठीक है, अब देखो बेटा हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया आप ऐसे समझो नॉर्मल लैंग्वेज में आलसीपन, ठीक है,
हमारा जो आलसीपन होता है वैसे ही किसी भी मास्क में भी एक आलसीपन होता है, लेजीनेस, क्लियर है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी मास्क की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो हमेशा चेंज का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? चेंज का। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, इस नेचर को हम बोलते हैं इनर्शिया। जैसे कि हम यदि सो रहे हैं तो हमारी इच्छा होती है हम सोते ही रहें, वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो भी रहना चाहता है रेस्ट पे। ठीक है, हम यदि खेल रहे हैं तो हमारी इच्छा होगी हम खेलते रहें, लेकिन यदि हमको खेलने से रोकना है या हम सो रहे हैं तो हमें उठाना है तो हमें क्या है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मम्मी डांटती है, ठीक है, मम्मी फोर्स अप्लाई करती है तब हम क्या करते हैं, उठते हैं। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन यदि हमें उसे मोशन में लाना है तो हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। बोलो बेटा सर, सर आपने सर जो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स पढ़ाया था सर, उसका क्वेश्चन है। हाँ, क्या है? मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लिए, अगर हम एक बड़े से सूटकेस के अंदर है, हाँ, और हम उसे अंदर से फोर्स लगा रहे हैं तो फिर वो हिलेगा, तो फिर ये कैसे सही हुआ आपका? वो हिल रहा है, ठीक है। देखो, वो केस में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, पहले से अपने पांव को, देखो हम, देखो आप एक कुर्सी पे बैठो, ठीक है, और कुर्सी को जम करा के भी आप थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हो नहीं हो सकते हो? यस सर, ठीक है, वो क्या है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप शिफ्ट हो गए तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया फिर तो। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि यदि हम अपने पैरों को समेटते हैं तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल फोर्स से कम होगी, इसलिए हम मोशन में नहीं होंगे। तो हम अपने पैर को समेट लेंगे, फिर अचानक से तेजी से फोर्स लगाएंगे तो वो वाला फोर्स फ्रैक्शनल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मूव कर जाते हैं, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है फ्रैक्शनल। ठीक है, यदि हम स्पेस में है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फ्रैक्शनल फोर्स एक्सटर्नल होती नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि रेस्ट में ही रहे। क्या हो गया बेटा? सर जैसे हमने इंटरनल का एग्जांपल समझ में नहीं आया। किसका? कैन यू एक्सप्लेन इनर्शिया? सर चेयर का एग्जांपल, सर एक एग्जांपल, जैसे कि सर बॉल में अपन बॉल, सर जैसे कि हमने इंटरनल फोर्स लगाया तो जरूरी थोड़ी है कि रेस्ट में ही रहे। इंटरनल फोर्स से जैसे हम क्या है कि अपने चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, और हम चेयर को फोर्स करके हमने शिफ्ट कर दिया, उछाल करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। यस सर, यस सर। तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पर हमें, जब हम अपने आप को समेटते हैं तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स हमारी हेल्प करता है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसने कहा हमेशा अपोज करता है? नहीं सर, वो कभी कभी सपोर्ट भी करता है। जब हम लोग मान लो, ठीक है, हमेशा वो डिपेंड करता है। एक बात सुनो, सपोर्ट कैसे करता है? एक बात सुनो, सपोर्ट जैसे कि हम बॉल लगाना चाहते हैं। अरे सुनो, इधर सुनो, आपके पास एक बुक रखी हुई है सामने, यस, उसके ऊपर एक कोई भी पेन रख दो। रख दिया? यस सर। अब आप उस बुक को मोशन करो, आपका पेन मोशन में आ रहा है? यस सर। यस सर। पेन पर तो आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया? नो सर। कौन से फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वो स्लाइड कर जाना चाहिए, और वो स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। आ गई बात समझ? तो फ्रिक्शनल फोर्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हां बोलो। सर जैसे आपने कहा इनर्शिया में रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, और कोई मतलब सर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में नहीं रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो। वही तो बोला, स्टेट चेंज अपोज करेगा। मतलब सर जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, हाँ,
सर जैसे कि हम किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं उसमें खड़े होकर जा रहे हैं, तो जैसे कि बस एकदम स्टार्ट होती है तो हम एकदम पीछे की तरफ टेंड हो जाते हैं। सर ये एग्जांपल मॉडल, सर ये एग्जांपल है क्योंकि अपना जो सुनो बॉडी सुनो ये सब हम बताएंगे, पहले इनर्शिया समझो ठीक है। इनर्शिया के टाइप्स पढ़ेंगे सर, उसमें इनर्शिया का हिंदी में मतलब जड़त्व होता है। जड़त्व होता है, सुनो इधर सर क्या होता है जड़त्व, आलसीपन ठीक है। ओके सर, इसे किसी को बोलते हैं ना, सुनो किसी को बोलते हैं ना जड़ बुद्धि। यस सर, मतलब अपनी मतलब उसकी जो मेमोरी है उसको वो यूज ही नहीं करना चाहता, आलसी है। मेमोरी यूज करने में भी वो सोच रहा है कि करूं या नहीं करूं, उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि ठीक है। मतलब कोई इंसान होते हैं जिसके पास नॉलेज है लेकिन वो यूज ही नहीं कर रहा है ठीक है, तो उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि, कि ये मेमोरी होने के बाद भी उसको यूज करने में सोच रहा है कि करूं या नहीं करूं ठीक है। तो सुनो इधर ध्यान से, सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे कि इंटरनल फोर्स है तो सर उसमें स्टेट तो चेंज होगा नहीं, तो सर उसमें चेंज क्या होगा फिर? एक तो मोशन होगा सर, एक और सर जैसे इंटरनल फोर्स में मोशन चेंज नहीं, स्टेट की बात कहां से आ गई? स्टेट मतलब रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, वो लिक्विड सॉलिड वाली स्टेट नहीं ठीक है। हाँ सर मैं उसी की कह रहा हूँ, वो नहीं, वो स्टेट नहीं चेंज होगी ठीक है। हमारी रेस्ट से मोशन और मोशन टू रेस्ट ये वाली स्टेट्स ठीक है, सॉलिड लिक्विड ये वाली से हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है। अब देखो इनर्शिया क्या होता है, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, वो हमेशा चेंज का अपोज करती है। क्या करती है? चेंज का अपोज। इस नेचर को हम बोलते हैं इनर्शिया, इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड होता है मास पर। किस पे डिपेंड होता है? मास पर। इनर्शिया क्या चेंज करता है? अपोज करता है, नेचर है ये, कोई क्वांटिटी नहीं है, नेचर है जो हमेशा क्या करता है? चेंज का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? चेंज का अपोज करता है, चेंज का अपोज करता है ठीक है। मतलब वो चेंज होना नहीं चाहता है। आ गई बात समझ में? तो देखो डेफिनेशन क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म ठीक है, व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अपोज कब करता है? जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या करता है? अपोज करता है। उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया ठीक है। अब कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी ठीक है। इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। सर मास सर इनर्शिया लेगी, इनर्शिया इनर्शिया सर मतलब अगर भारी इंसान है तो वो हाँ, ज्यादा उस पे होगा। हाँ ठीक है, उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ये किस पे डिपेंड करता है? मास पर करता है। तो कई बुक में इसकी यूनिट आपको मिलेगी केजी यूनिट। क्या मिलेगी? केजी यूनिट, केजी। लेकिन कुछ बुक्स वाले ये बोलते हैं कि जो मतलब कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इनर्शिया नेचर है। इनर्शिया क्या है? नेचर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है मास पर ठीक है। मतलब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा ठीक है। तो इनर्शिया की डायरेक्टली यूनिट केजी नहीं मानते हैं वो। क्लियर है? इनर्शिया उसकी डायरेक्ट यूनिट क्या है? कोई यूनिट नहीं, वो एक नेचर है बस, एक टेंडेंसी है ठीक है। ग्राम भी हो सकती है। यार किसी बातें कर रहे हो तुम, सर ने मना ही कर दिया कि उसकी नहीं, तो फिर ग्राम और ये सब कैसे? नहीं, केजी है तो फिर ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर माइक्रोग्राम, हां सर वो तो सब हो ही जाएगा, नैनोग्राम, फिर नैनो, ये सब बताना पड़ेगा। क्विंटल, फिर टन भी हो सकती है, फिर तुम बोलोगे सर मेट्रिक टन भी हो सकती है, सर पाउंड में भी हो सकती है। ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो यार ठीक है, तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा। हां तो उसकी यूनिट क्या होती है? केजी होती है ना। तो कुछ बुक्स में यदि आपको आई यूनिट क्या है तो फिर यूनिट यदि पूछा ही है तो फिर आप क्या लिख दोगे? केजी। केजी लिख दोगे, अदरवाइज उसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, नहीं होती। अब क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं। सर आपकी आवाज कहीं ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपकी आवाज बहुत स्लो होती जा रही है, पहले कम हो जाती है आपकी आवाज, फिर चली गई। इसकी यूनिट, इसके टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ओनली किसका अपोज करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑफ रेस्ट का, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? तो आप मतलब वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है, रेस्ट पे रहना चाहेगा। और यदि उसका नेचर को ब्रेक करना है ठीक है, यदि हमें उसे मोशन में लाना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यदि कोई इंसान सो रहा है तो वो सोता ही रहेगा जब तक कि उसको फोर्सफुली उठाया नहीं जाए। क्लियर है? यस
यदि उसको उठाना है तो फोर्स इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, मतलब यदि एक ट्रक है और एक कार है दोनों रेस्ट पे, यदि आपको मोशन में लाना है तो किसको इजीली ला सकते हो? कार का मास कम है, कम होता है। क्लियर है सर? ये नेचर भी होता है। हाँ ये नेचर होता है, ठीक है, जो अपोज करता है चेंज का। क्लियर है? अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपकी आवाज कम हो रही है। अब देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे आप कार बैठे हुए हो, यदि कार सडनली स्टार्ट हो जाए, कार क्या हो जाए तो हम पीछे हो जाते हैं, तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अब देखो पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे ही कार स्टार्ट हुआ, हम कार में बैठे हुए हैं तो नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो कार के कॉन्टेक्ट में, तो वो तो क्या हो जाता है रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला सॉरी वो मोशन में आ जाता है, हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या होता है तो उसकी वजह से हम कहाँ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। क्लियर है? जैसे ही जब ट्रेन में ब्रेक लगती है तब भी ऐसा ही होता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है कि मोशन टू रेस्ट। अभी हम रेस्ट टू मोशन, और अगर स्पीड बढ़ाते हैं तब भी यही होता है ना, लेफ्ट राइट मूव करती है तब भी यही होता है। हाँ ठीक है, उसको हम गिरते हैं तो उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, फिर से बता दो। देखो बिल्कुल सुनो, ये कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, एक कॉइन रखा हुआ है और ये कार्ड है, ठीक है सर, खींच देंगे कार्ड। इसको यदि आपने बहुत तेज मार दिया तो क्या होता है, ये कॉइन कहाँ गिरता है? नीचे, ये एग्जांपल एनसीईआरटी होता है, उधर नहीं गिरता है, ठीक है। ये कहाँ सर? ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ सभी वही है लगभग लगभग, ठीक है। पेपर बार समझा दो, सुनो बिल्कुल समझाएंगे। इधर देखो, कोई बॉडी रेस्ट पे है, किसमें है? रेस्ट में। तो वो क्या चाहती है? रेस्ट में ही रहना। क्या चाहती है? रेस्ट में ही रहना। लेकिन यदि हमें उसे मोशन में लाना है तो हमें क्या अप्लाई करना होगा? फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और उसको मोशन में आने के लिए क्या लगेगा? सम फोर्स, टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। सडनली वो मोशन में नहीं आ सकता। क्लियर है? यस। सडनली वो मोशन में नहीं आ सकता। और पेड़ से जो फल होते हैं वो इसलिए गिरते हैं ना। हाँ ठीक है, लाना पड़ता है सर। जैसे आपने कॉइन वाला एग्जांपल दिया, सर जो पेड़ से, सर वो पेड़ से जो फल गिरते हैं वो इससे नहीं गिरते। हाँ। वो तो ग्रेविटेशन से गिरते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, सुनो सुनो, अरे यार सुन लो, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। अब जैसे देखो, कोई पर्सन है, ये ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही कार स्टार्ट हुई तो उसका ये वाला पार्ट क्या हो गया? मोशन में आ गया। लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? रेस्ट में रहना चाहेगा, तो इसलिए कहाँ टकरा जाता है? वो पीछे जाएगा, पीछे की तरफ टकरा जाता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो, ये जो कॉइन है, एक कोई भी हमारा कप है, ग्लास है ना, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा और यहाँ पे रखा एक कॉइन। यदि हमने बहुत तेजी से इस कार्डबोर्ड कार्ड को मारा, कार्ड को, तो क्या होगा? कार्ड हट जाएगा और ये कॉइन कहाँ गिरेगा? ग्लास में गिरेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये है रेस्ट में रहना चाहेगा। क्या चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है। और इसको मोशन में आने के लिए क्या चाहिए? कुछ टाइम चाहिए। उस टाइम तक तो क्या होगा? कार्ड हट ही जाएगा, तो वो मोशन में नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सर एक बार सर डिफाइन समझा देना। सिर्फ कॉइन नीचे गिरा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं गिरा, क्योंकि गिरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा, लेकिन इसको उसके हिसाब से तो इस कार्ड के साथ मूव करना चाहिए था ना। यस सर, कार्ड पे रखा हुआ था तो कार्ड के, हाँ, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं मूव किया। फोर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। हाँ, अब देखो इधर सुनो, लेकिन कॉइन जो था वो कार्ड से जुड़ा हुआ था। नहीं, ठीक है, जुड़ा हुआ होगा तो उसके साथ ही मूव करता ना। अब इधर देखो, आप सुनो, यदि आपको लॉन्ग जम्प करना है, क्या करना है? लॉन्ग जंप, तो क्या खड़े खड़े आप लॉन्ग जंप कर सकते हो? नहीं, भागते हुए आते हैं सर, तो बॉडी को आगे पुश करके जंप करना है। फोर्स चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें अपना रेस्ट में, तो बॉडी रेस्ट में रहना चाहिए, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ टाइम चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? रन अप लेते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, आपके जो हैवी बर्ड्स हैं, जैसे आपने पीकॉक को देखा होगा और एक कोई छोटे बर्ड को देखा होगा, सर पेंगुइन, तो दोनों को देखो, जो छोटे बर्ड है, हमारी जो चिड़िया वगैरह है, वो क्या होती है? सडनली फ्लाई करने लग जाती है। लेकिन क्या पीकॉक सडनली फ्लाई कर सकता है? नो सर, उसका मास ज्यादा होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो दौड़ता है दो चार कदम फिर जाके फ्लाई करता है। हमारे जो हैवी सर, वो हैवी है,
हेलीकॉप्टर है वो सडनली उठ सर ऐसे एरोप्लेन के साथ भी होता है ना, वो सडनली नहीं उठता है, उनका मास ज्यादा होता है। तो इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसा ट्रेन के एग्जांपल में क्यों नहीं है? हाँ, अब देखो दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन? वो क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब जो मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहेगा। क्लियर है? तो यदि हम क्या करें, चलती कार जा रही है और अचानक ब्रेक लगा दिया तो क्या होता है सर? वो स्टीयरिंग में अपना सर तरफ होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, हम जैसे ही ब्रेक लगे, हम सीट पर बैठे हुए तो हमारा बॉटम वाला पार्ट तो रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट सडनली रेस्ट में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहाँ गिरते हैं? आगे की तरफ। आगे की ओर सर, सीधा डैशबोर्ड पे गिरते हैं। ठीक है, अब देखो यदि हम एक ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, फूटता है वो वाला। ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, सीट बेल्ट बनाई है। फिर से बता सकते हैं गाड़ी वाला वो मोशन और रेस्ट में? बिल्कुल, एक और एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल है, आपको आप पर समझ में आता जाएगा। सर आपकी स्क्रीन सर वही वाली है सर। हाँ तो वही है, सुनो इधर। यदि बेटा हम ट्रेन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? ट्रेन में। ट्रेन में, ट्रेन में मोशन, ट्रेन की जो स्पीड है वही स्पीड आपकी है। यस सर। अब अचानक ट्रेन से उतर गए तो आप जैसे ही अर्थ पे आए, आपके पैर अर्थ के रेस्ट में आए, अर्थ रेस्ट पे, तो आपके पैर पेड़ सडनली रेस्ट पे आ गए, लेकिन ऊपर वाली बॉडी सडनली रेस्ट पे आ सकती है क्या? नो सर, नहीं आ सकती। आपकी बॉडी क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसीलिए यदि हम ट्रेन से उतरते हैं तो थोड़ा सा उसके साथ दौड़ते हैं उसी स्पीड से। यस सर। ठीक है, जब भी हम यदि चलती ट्रेन से उतरने के बाद ही उतरते हैं, नहीं कुछ लोग यदि चलती ट्रेन से भी उतरते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं उसके साथ। दौड़ते हैं सर। ठीक है, हां सर। जो जैसे उनकी ऊपर वाली बॉडी भी मोशन में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। हाँ ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, यदि किसी भी चीज को रोकना है, ठीक है, तो आप सडनली नहीं रोक सकते, उसको धीरे धीरे रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बारिश का सीजन आ रहा है, हम फुटबॉल खेलने गए, ठीक है, तो हमारी शूज में क्या होगा, बहुत सारा कीचड़ लग गया, तो हम क्या करें, यदि तेजी से लात घुमाएं तो हमारे जो जो कीचड़ है वो साफ हो जाता है जूतों से। तो आपने क्या किया, शूज को मोशन में लाए और अचानक शूज को तो रोक लिया, लेकिन जो मड है, जो कीचड़ है, वो अचानक नहीं रुक पाता, तो वो जूते से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट हो जाता है। यस सर। आ गई बात सुन में? वैसे ही यही है कार वाला एग्जांपल, हम कार से जा रहे हैं, ठीक है, और ये जैसे ही क्या हुआ, हमारे सडनली ब्रेक लगाया तो हमारे नीचे वाला पार्ट जो इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन दे दीजिए। तो इनर्शिया ऑफ मोशन सेम वही है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। सर बस स्टेट में हम लोग लिख देंगे मोशन। यस सर, सेम सर, नोट्स में सर डेफिनेशन भेज देना सर उसकी। अब देखो आपको ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में सर। आपकी आवाज वॉइस लो आ रही है सर, को बोलने तो दो बेटा। देखो ये 3 मार्क्स में आते हैं, कितने मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन? 3 मार्क्स में आते हैं। कि क्यों जो हेवी, आप जब भी सडनली मूविंग ट्रेन से उतरते हो तो क्यों गिर जाते हो? ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, जो हमारा ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट को हम झटका आते हैं तो डस्ट निकलती है। यस सर। या फिर उसको हम डंडा मारे तो डस्ट सेपरेट डस्ट उड़ती है। हाँ सर। यदि गंदा हुआ है तो, है ना, यदि नहीं हुआ है तो नहीं उड़ेगी। तो कई बार क्या करते हैं, हम उसको डंडा मारते हैं ब्लैंकेट को, तो वहां से डस्ट उड़ती है। क्यों उड़ती है? कि जिस पॉइंट पर हमने डंडा मारा वो तो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, में आ जाता है। लेकिन जो डस्ट है वो रेस्ट पे रहती है, तो वो क्या हो जाती है, टाइम लगेगा, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, अच्छा कपड़े सुखाते हैं तो हम ऐसे झटका मारते हैं सर पानी उड़ाने के लिए, तो पानी उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि जैसे ही हमने पहले हमने उसको मोशन में लाए और फिर अचानक से रोक लिया, तो हाँ कपड़ा तो रुक गया, लेकिन डस्ट पार्ट जो अपने वाटर ड्रॉपलेट से वो नहीं रुक पाए, इसलिए वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है क्लोथ। हाँ आ गई बात समझ में? तो ये इनर्शिया में अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स ये बेटा कि यदि आप मान लो रेस्ट पे हो, ठीक है, और रेस्ट से मोशन में लाना है तो वो कौन लाएगा, फोर्स लाएगा।
तो वो फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए, बैलेंस फोर्स कभी रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता ना सर, ठीक है, जैसे आप मोशन में हो, ठीक है, आपको रोकना है तो रोकने का कौन करेगा, बैलेंस फोर्स रोकेगा या अनबैलेंस अनबैलेंस फोर्स रोकेगा सर, अनबैलेंस फोर्स कांस्टेंट रहेगा सर, उसको आप लोग एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं, नहीं एक्सटर्नल फोर्स अलग है, ठीक है, बैलेंस अलग है, क्लियर है, हाँ सर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक पोर्शन आपको आगे से धक्का मार रहा है, एक पोर्शन पीछे से धक्का मार रहा है, दोनों ही एक्सटर्नल है लेकिन फिर भी बैलेंस है ना, यस सर, ठीक है, आ गई बात समझ में, तो आपके इसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हैवी फ्रूट्स हैं, ठीक है, यदि हम ट्री को शेक करते हैं तो वो गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हम शेक करते हैं तो वो, जैसे देखो इधर एक, सुनो इधर, जैसे कोई ट्री है, आपका ट्री है, ठीक है, यहाँ पे लटका हुआ है मैंगो, ठीक है, आपने इसको मोशन में लाया तो ये मोशन में आएगा, तो ये यदि मोशन में आ गया तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये हैवी है, मैंगो बहुत अच्छा बना है, ठीक है, ये मैंगो है, ठीक है, अब जैसे ही आप ये मोशन में करोगे, ये मोशन में नहीं आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, तो उसकी जो एंड है वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, तो उससे वो क्या हो जाएगा, वहां से गिर जाएगा नीचे, गिर जाएगा, वो लाइट होगी सर, जिससे वो जॉइंट होगा, वो लाइट वेट होगी, ठीक है, वो मैंगो वाला एग्जांपल फिर से समझा, देखो इधर बेटा ये फोर्स लगाते हैं बाद में तो ना आएंगे, ठीक है, इधर देखो, अब यदि हमने इसको मोशन में लाए तो ये इसको, ये इसे ऐसे हिलेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, तो ये मोशन नहीं करना चाहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, तो उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ से टूट जाता है, तो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है न्यूटन के ऊपर, ठीक है, यस सर, शून्य ग्रेविटेशन में, और फिर सर न्यूटन सबको परेशान करते हैं, ठीक है, एप्पल कहानी है, रियल में मुझे नहीं लगता एप्पल गिरा होगा, अब न्यूटन ने एक फर्स्ट लॉ दिया था, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये बोला था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते, आई बात सुने, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है, तो देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम एक बार रिपीट कर दो, सुन लो, जब तक हम उस पे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, क्लियर है सर, अब जो इनर्शिया ऑफ, सुनो सुनो इधर, इनर्शिया ऑफ जो डायरेक्शन है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, वही है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो सीधा ही मोशन करेगा जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, ठीक है, यदि हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यदि फोर्स नहीं है तो वो हमेशा कैसा अप्लाई करता है, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन में चलता, अच्छा एक स्पिनर होता है, स्पिनर समझते हो ना, एक स्पिनर को घुमा करके आपने रख दिया और उस पर एक ड्रॉपलेट डाल दी, क्या डाल दी, ड्रॉपलेट, क्या होगा, ड्रॉपलेट क्या इसके साथ घूमेगी या फिर छिटक जाएगी, क्यों छिटक जाएगी, क्योंकि उस पर वो इससे सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है तो वो इसके साथ मोशन नहीं करना चाहता, ठीक है, वो अपना अपना डायरेक्शन स्ट्रेट ही रखना चाहती है, वो क्या चाहती है, घूमती चीज पे कॉइन भी रखते हैं तो भी हट जाता है, कॉइन तो भी हट जाता है, ठीक है सर, सर वो अगर सर वो मान लो मतलब अपने अर्थ है, वो अर्थ पे मतलब जैसे वो रोड पे फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं होता मतलब किसी सरफेस पे, तो अगर और सर से ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स हो तो सर अगर अपन कोई बॉल रोल करते मतलब वो स्टॉप ही नहीं होती सर, नहीं होती मतलब फिर तो
हाँ नहीं होती सर, वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट वाला है। सर अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम पेपर पे लिख भी नहीं सकते। एक और एग्जांपल दे दूंगे। अब इधर देखो, एक बताओ, शेर और रैबिट, क्या शेर कभी रैबिट का शिकार करता है? क्योंकि देखो रैबिट क्या हो रहा है, सुनो ये बड़ा सा शेर है ठीक है, रैबिट ऐसे जाके ऐसे मोशन हो जाता है, लेकिन शेर ऐसे जाके ऐसे वो नहीं कर पाता चेंज, सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है। आई बात समझ में? जैसे कोई आपका जो हेवी बर्ड्स है, जैसे कई बार चूहा है ना, वो क्या करता है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जाता है किसी चीज के, लेकिन जो हेवी नहीं पकड़ पाता ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सडनली अपना मास मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ठीक है। जैसे कभी भी जो लायन है वो कभी किसी का शिकार कर रहा है और उसने यदि सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो जो लायन है वो अपनी सडनली डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है, लायन डायरेक्शन चेंज अगर उसने कर ली तो फिर रैबिट की शामत आ गई ठीक है। अब इधर देखो सर, अगर ठीक है सर, ऐसे फिर बिल्ली चूहे का शिकार क्यों करती है? बिल्ली शिकार वो तो अगर ऑलमोस्ट सेम रहता है ना, और यदि क्या है, यदि चूहा सीधा दौड़ रहा है तो उसकी पकड़ में आ जाता है क्लियर हाँ है सर, और यदि वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो वो नहीं आ पाएगा ठीक है। और भी चीज देखो, अगर हम टेढ़े मेढ़े भागे सर शेर के सामने तो हाँ सर तो बच जाएंगे, इतनी स्पीड नहीं है ना सर, सांप के सामने भी टेढ़ा सर हम भी तो एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो पकड़ लेगा ठीक है। अब इधर देखो ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम क्या है ना, आप कई बार मूवी में देखते हो कार जा रही है सडनली आपने घुमा दी, क्या ट्रक जा रहा है इसे सडनली घुमा देगा क्या? वो सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा ठीक है। मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया, हाँ इनर्शिया ज्यादा है तो मास ज्यादा है। जैसे क्या है ना, कोई झूला झूल रहा है, कोई बच्चा झूल रहा है तो झूले को हम डायरेक्टली पकड़ लेते हैं तो झूला रुक जाता है, या कोई बड़ा पर्सन झूल रहा है और उसको इसे पकड़ लो तो वो गिर जाएगा, आप झूलने लग जाओगे ठीक है। जैसे बेटा कोई पर्सन झूला झूल रहा है, कोई बच्चा, तो आप उसको क्या तेज झूल रहा है तो भी आप उसको सडनली पकड़ सकते हो तो वो रुक जाएगा, लेकिन कोई बड़ा पर्सन घूम रहा है बहुत तेजी से तो क्या आप उसको ऐसे पकड़ सकते हो? सर वैसे भी नहीं पकड़ पाएंगे ठीक है, नहीं पकड़ सकते। यदि आपने पकड़ भी लिया तो क्या होगा, उसी के साथ झूलने लगेंगे सर, पकड़ तो लेंगे लेकिन साथ में झूलने लग जाएंगे ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। आ गई बात सुन में? तो इनर्शिया क्या है, लेजीनेस समझ लो ठीक है, लेजीनेस। लेकिन जो सर, लेकिन कभी कभी किसी बॉडी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है तो फिर तब भी वो डायरेक्शन तो चेंज कर ही नहीं पाते, हालांकि मास कितना भी कम हो। नहीं बेटा वो कर सकता है, उस पर हमें कम फोर्स से ही वो मोशन कर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम उसकी ठीक है। देखो इधर उसमें उस केस में क्या होता है, इधर देखो, यदि हमें जैसे देखो ये पार्टिकल है, ये 1 meter per second से ट्रेवल कर रहा है, कितना स्पीड से? 1 meter per second से, और ये है ये 100 meter per second से ट्रेवल कर रहा है। अब यदि हमें डायरेक्शन चेंज करने में 1 second लग रहा है, कितना सेकेंड लग रहा है? एक सेकंड में हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, थोड़ा सा आगे तक, कितना? 1 meter चले जाएगा आगे। Yes, हाँ, और ये इसको भी चेंज करने में 1 second ही लगेगा, लेकिन yes, एक सेकंड में कितना आगे चला जाएगा? बहुत आगे चला जाएगा, 100 meter चला जाएगा, क्योंकि उसकी मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, क्लियर है? यस सर। आप ठीक है, तो इनर्शिया सिंपल सा देखो, एक डेफिनेशन सुनो, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, क्लियर है? Yes, sir. Direction. अब यदि स्टेट ऑफ रेस्ट लिखना है तो मोशन को हटा दो, मोशन वाली लिखना है रेस्ट को हटा दो ठीक है। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी डेफिनेशन आपकी सही मानी जाएगी, क्लियर है? हाँ, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन इतनी भी याद कर लो तो बहुत है। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। सर रेस्ट और मोशन दोनों? हाँ,
ये इनर्शिया की, क्योंकि उसमें दोनों चीज मेंशन करना पड़ेगी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है. अब यदि आपको स्टेट ऑफ रेस्ट की लिखनी है तो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है. स्टेट ऑफ मोशन की लिखना है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. क्लियर है? क्लियर हो गया. ठीक है. अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने बोला अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक मोशन में मोशन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. क्लियर है? यस सर. अच्छा, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ. क्या बोलते हैं? क्योंकि इसने फोर्स की क्वालिटी बताई. क्या बताई? फोर्स की क्वालिटी बताई. क्या क्वालिटी बताई? कि जो फोर्स है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज करता है. ठीक है. हाँ, आ गई बात सुन में? क्योंकि फर्स्ट लॉ ने बस क्वालिटी बताई कितना फोर्स होगा. ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. हाँ ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस ही होगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स और इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं कर सकते. तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ. क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव लॉ. क्योंकि इसने फोर्स की क्वालिटी बताई. क्या क्वालिटी बताई? कि फोर्स इज द कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है. ठीक है. हमेशा yes, करे इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. yes, जिसे sir. Yes, sir. जैसे ट्रेन उसमें टेंडेंसी होती है. हाँ, मतलब जैसे ट्रेन चल रही है, क्या फोर्स ट्रेन को रोक देगा? आप धक्का मार के रोक सकते हो? नहीं. लेकिन टेंडेंसी हो सकती है, फोर्स के लिए बहुत कोशिश कर सकते हो. ठीक है. मतलब फोर्स इज द कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स वो कॉज है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है. ठीक है. हमेशा करे इसकी कोई गारंटी नहीं, नहीं है. जैसे आप घर को धक्का मारो तो क्या घर आपका दूसरी जगह चला जाएगा? नहीं सर, ऐसे नहीं जाता. लेकिन ऐसे जा रहा सब धक्का मारते फोर्स कर सकते. आ गई बात सुन में? तो इनर्शिया क्या होता है? सुनो इधर. टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. क्लियर है? यस सर. इनर्शिया थ्री टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. सर पहली वाली का क्या नाम था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? ठीक है. अब देखो द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. आगे वाला इनर्शिया टाइम ओवर हो गया. हां ठीक है. चेंज इन स्टेट इन मोशन. अब देखो क्वालिटेटिव लॉ एक और बार बता सकते? देखो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उसने फोर्स की क्वालिटी बताई. क्या बताई? क्वालिटी. क्या क्वालिटी बताई? कि फोर्स इज द कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकता है. कितना टाइम में करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, ये सब कुछ नहीं बताया. ठीक है. यस सर. इसके बारे में कोई उसने बात बताया कि फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है. ठीक है. यस सर. यस सर. फर्स्ट स्टेट को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है. okay, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है. इसीलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. ठीक है. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? वापस से टेंडेंस अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. क्लियर है? तो ये रट लो क्योंकि आपको बोर्ड्स में आएंगे, बाकी से कंपटीशन में कमी आती है ये चीज. ठीक है. ओके सर. सर थर्ड टाइप का इनर्शिया कौन सा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके सर. ठीक है. कि कोई बॉडी सडन जब तक कोई फोर्स नहीं है कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती. सर लेकिन जैसे भी बॉल है, बॉल को अपन सर मान लो मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है अर्थ पे सर, लेकिन ग्रेविटी फोर्स है, तो मैं ग्रेविटी फोर्स का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा बॉल पर? क्योंकि सर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा. नहीं 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 नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचती है, उसको रोकती नहीं. एग्जैक्टली. देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, वर्टिकल के लिए वर्टिकल होती है.